नीमच नगर पालिका पाइप घोटाला कांड में न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला। पाइप घोटाले के 8 आरोपियों को 10-10 साल की सजा, 13 आरोपियों में 5 की हो गई मौत, 8 आरोपी सजा के बाद भेजे गए जेल। नगर पालिका में हुए करीब 1,80,000 के पाइप घोटाले में 13 साल बाद फैसला आया है। नीमच की नगर पालिका में हुए पाइप घोटाले मामले में गुरुवार को माननीय विद्वान न्यायाधीश एडीजे सोनल चौरसिया ने 8 आरोपियों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपियों को अर्थदंड से दंडित भी किया। इस पूरे मामले में ठेकेदार राकेश जैन पर 24,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही नगर पालिका कर्मचारी वीरपाल सिंह भदौरिया, मांगीलाल सोलंकी, कमलेश मीणा, सुरेश सेन, अरविंद व्यास, रफीक पठान और विजय सिंह जैन को 34,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। घोटाले में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 5 की मृत्यु हो गई। सभी आरोपियों पर धारा 420, 467, 468, 471, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1), (2) और (6) में प्रकरण दर्ज किया गया था। माननीय विद्वान न्यायाधीश ने सभी पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपियों को बीती 10 मई को दोषी करार दिया था। बता दें कि नीमच में साल 2008 में पेयजल संकट के दौरान शहर में जगह जगह नलकूप खनन करवाए गए थे, जिसमें उपयोग में लिए जाने वाले पाइप की खरीदी में घोटाला हुआ था। मामले को लेकर गुरमीत सिंह वधवा द्वारा शासन और प्रशासन को शिकायत कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। जांच के दौरान कलेक्टर के आदेश पर परियोजना अधिकारी एस कुमार डोडा द्वारा प्रतिवेदन पेश किया गया था, जिसे पुलिस को भेजा गया था। इस पर कैंट पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और प्रकरण करीब 13 वर्षों तक कोर्ट में चला। 40 से अधिक गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस पूरे मामले में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती और इमरान खान ने की। वर्ष 2008-09 में तत्कालीन सीएमओ कैलाश सिंह गहलोत द्वारा नगर पालिका परिषद में जो भ्रष्टाचार किया गया था, जो फर्जी दस्तावेज बना के कूटरचित तरीके से पाइप की सप्लाई में जो 6 mm का पाइप सप्लाई होना था वो उसमें 12 mm और 6 mm के जो बिल लगाकर फर्जी तरीके से जो राशि का जो है उन्होंने आहरण करते हुए उसको पैसा रिलीज किया था, उसके विरुद्ध तत्कालीन पार्षद गुरमीत वधवा द्वारा शिकायत की गई थी। और वहाँ जो तत्कालीन पार्षदगण थे उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। वर्ष 2008 में जब वो सस्पेंड थे, उस सस्पेंड अवधि में उन्होंने सीएमओ बनकर जो कार्रवाई नगर पालिका में की है उसके विरुद्ध जो शिकायत हुई थी, और शिकायत के बाद में जांच हुई, तत्कालीन एसडीओपी साहब उसमें विनीत जी जैन साहब थे और उन्होंने उसमें विस्तृत जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। नगर पालिका की फाइलें, ऑर्डर शीट्स और जो समय समय पर उनके द्वारा जो आहरण किया गया था, राशि का जो निकाला गया था, उन सब के आधार पर तथ्यपरक जो है दस्तावेज उन्होंने उपलब्ध करके कायमी की थी, जो कायमी के आधार पर FIR नंबर 4/13 और 2008-09 में जो जांच हुई उसके बाद अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। माननीय न्यायालय में विगत 2009 से लगा के 2023 तक लगभग इन 15 वर्षों में या 14 वर्षों में लगभग ये ट्रायल चला और लगभग 40 साक्षियों के हमने यहाँ जो है मुख्य परीक्षण और प्रति परीक्षण हुए, और माननीय न्यायालय ने इस पूरे विचारण के दौरान लगभग 13 मुलजिम जो है इसमें जो है संलिप्त पाए गए, जिसमें से 5 मुलजिमों की जो है मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के कारण उनको जो है उन्मुक्त किया गया, और शेष जो 8 अभियुक्त थे उनको आज माननीय न्यायालय ने दंड दिया है। सभी को समान दंड 467-468 IPC की धारा में 10 वर्ष का सश्रम कारावास दिया है और सभी आरोपियों को जुर्माने से भी दंडित किया है। जो आरोपी हैं उसमें राकेश जैन, क्या क्या थे, राकेश जैन सप्लायर थे जिन्होंने पाइप सप्लाई किया था, कमलेश मीणा, मांगीलाल सोलंकी, सुरेश सेन, अरविंद व्यास, मोहम्मद रफीक पठान और विजय सिंह जैन, ये लोग जिन्होंने पाइप सप्लाई किया था, कोई नगर पालिका के कर्मचारी हैं, कोई आरोपी जो हैं जिन्होंने नोटशीट बढ़ाई है, कोई ऑडिटर है जिन्होंने ऑडिट किया है, ये जो पूरी है धारा 120B, सेक्शन 420, 467, 468, 471, भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत और विभिन्न धाराओं में जो माननीय न्यायालय ने सभी धाराओं में उनको जो है दोषी पाते हुए दंडित किया है। श्री साई कंस्ट्रक्शन के नाम से फर्म थी जिससे पाइप सप्लाई किया गया था और उसमें रेट का भी वेरिएशन था,
और जो एक विज्ञप्ति जो है समाचार पत्र की वो भी कहीं ना कहीं फर्जी जो है वो पाई गई। और माननीय न्यायालय ने जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट आई भोपाल से, उनका भी बहुत बारीकी से जो माननीय न्यायालय ने विश्लेषण किया है उसमें, और डिटेल ऑर्डर्स आपको मिलेगा। पर माननीय न्यायालय ने इन सभी धाराओं में इनको दोषी माना है और सश्रम कारावास की सजा दी है। 24,000 से 34,000 रुपये तक का जुर्माना अलग अलग धाराओं में प्रत्येक अभियुक्त पर किया गया है और सभी को जेल भेजा गया।